तो दोस्तों मेरे पीछे आप अभी देख रहे थे 0 पॉइंट और ठंडी गुलाई का एरिया। बहुत पीसफुल ये एरिया है और ये रिवर साइट है, और साथ में आपको कुछ है कि यहाँ पे छोटे छोटे कैंप दिख रहे हैं और स्टॉल भी दिख रहे हैं। तो बहुत ही पीसफुल एरिया है दोस्तों। ये एरिया विंटर में बहुत कूल रहता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, और अगर स्नोफॉल होता है तो इस एरिया में बहुत ज़्यादा टाइम के लिए स्नो रहता है क्योंकि यहाँ पे धूप कम आती है। बट अभी के लिए अगर समर की बात करें तो बहुत बेस्ट ये एरिया है। ऊपर देखिए पाइन्स के आपको ये सारे पेड़ दिख रहे हैं, और नीचे बहुत सुंदर से आपको ग्राउंड, एक यहाँ पर नेचर पार्क बन रहा है ग्राम पंचायत बरोड की तरफ से। तो नेचर पार्क अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आने वाले टाइम पे यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। छोटी छोटी बच्चों के लिए यहाँ पे जैसे पार्क में झूले या फिर और एक्टिविटीज़ होती हैं वो आपको देखने को मिल सकती हैं। तो ये था ठंडी गुलाई, बहुत कूल सा प्लेस। और अभी मैं खड़ा हूँ जो अपना राजविंदा रोड है कोठीकोड का, उस रोड पर खड़ा हूँ। उस रोड को जाने के लिए एक नीचे से भी ब्रोड वैली से रास्ता है, उसकी कंडीशन अभी थोड़ी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आप राजगुंदा कोठीकोड वाले रोड पे आ रहे हैं तो ब्रोड वैली से 1 किलोमीटर आगे से लेफ्ट को नीचे टर्न आएगा, पुल क्रॉस करके जो 0 पॉइंट हॉलेज ट्रॉली ट्रैक है उसी ट्रैक के साथ में ये ठंडी गुलाई प्लेस पड़ता है। तो जब भी आप आएँ ब्रोड तो ठंडी गुलाई ज़रूर विज़िट करें, और रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप पैदल यहाँ पर वॉक करें रिवर के साइड में, एक अमेजिंग एक्सपीरियंस आप लेके जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू सो मच।